जंगल कौड़िया से लेकर मोहद्दीपुर तक 17 किलोमीटर निर्माणाधीन फोर लेन के निर्माण में अब और तेजी आ गई है। फोर लेन के निर्माण में सड़कों के किनारे जहां पीडब्ल्यूडी द्वारा मकानों और दुकानों को अधिग्रहित किया गया है और उन्हें तोड़कर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, जिसको लेकर इन दुकानदारों एवं मकान मालिकों को मुआवजा भी दिया जा रहा है, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि चिउटहा, मानीराम, सिकटौर, धर्मशाला बाजार, मोहद्दीपुर सहित अन्य स्थानों पर जहां जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई है वहां उन्हें मुआवजा दिया जा चुका है। एसडीएम सदर ने बताया कि अब तक 70 करोड़ मुआवजा के लिए शासन से प्राप्त हुआ है, जिनमें करीब 40 करोड़ रुपए दुकान एवं मकान मालिकों को दिया जा चुका है, जिससे फोरलेन का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, कौड़िया से लेकर मोहद्दीपुर तक फोर लेन बन रहा है, मकान ध्वस्त हो रही है, तो क्या इसका मुआवजा भी दिया जा रहा है? देखिए, ये प्रोजेक्ट था जंगल कोड़िया से मोहद्दीपुर का 17 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, ये जिसको फोर लेन बनाया जा रहा है। इसके संदर्भ में पिछले एक साल डेढ़ साल पहले ही इसके प्रोजेक्ट सेंक्शन हो गया था, तो 70 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, इसमें धन और जमीन दोनों का मुआवजा दिया गया है। तो चूंटा, सिकटौर कई जगह पर ऑलरेडी दिया जा चुका है, धर्मशाला, तरंग इधर, और यहाँ पे जो गोरखनाथ वाला जो एरिया है जहाँ पे अभी डिमोलिशन कार्य चल रहा है, यहाँ पे भी हमने एक्सक्रीशिया में जो भवन का पैसा वो दिया जा चुका है, और ज़मीन के लिए जो जैसे जैसे रजिस्ट्री टाइटल क्लियर होते जा रहे हैं वैसे वैसे रजिस्ट्री बैनामे कराए जा रहे हैं। तो अगले दो दिनों में हम 50 बैनामे कराएंगे, लगभग 70-80 बैनामे हो चुके हैं, लगभग 15-20 बैनामे बचेंगे, उसको भी हम इस वीक में करा लेंगे। तो हमारा जो जितना भी मेन जो स्ट्रेच है हमारा धर्मशाला, तरंग, गोरखनाथ, ये सब क्लियर हो जाएगा। बाकी पहले भी हम पूरा कर चुके हैं, पुलिस लाइन को भी हमने जैसे बैरक से वो छोड़ा गया था, वहाँ पे भी हमने कुछ मुआवजा उनको भी दिया था, पुलिस लाइन की बाउंड्री भी गिराई गई थी, यातायात पुलिस का ऑफिस भी गिराया गया, और कुछ भी जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी गिराएंगे। तो उसको जो भी कैलकुलेशन जितना भी उनका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का लगता है वो मुआवजा दिया जाएगा, मैक्सिमम मुआवजा हम दे चुके हैं। अभी जो कॉस्ट ऑफ लैंड है रजिस्ट्री का वो चल रहा है प्रोसीजर, उसको भी हम इस वीक में पूरा करेंगे। सर, कितना करोड़ रुपया करीब दिया गया होगा ये अभी पूरा प्रोजेक्ट 69 करोड़ कुछ का था, और अब तक हम मैक्सिमम बांट चुके हैं। अब इसका जो पैच है, इस वाला पैच भी गोरखनाथ वाला है, ये बटा हुआ बचा हुआ है, इसमें मुआवजे के साथ साथ इसका कॉस्ट भी है प्रोजेक्ट का, क्योंकि NH इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसके माध्यम से जिनका उनका कैलकुलेशन होता है उस NH एंड PWD का, उस कैलकुलेशन के हिसाब से बांटा जा रहा है। और जमीन का पैसा है, जमीन का पैसा भी लगभग हम अगले वीक में बांटेंगे।